आर्टिस्ट चाहिए रहता है एज ये लोग ने कभी मेकअप किया नहीं होता है पहले, सो हमें इनको पूरा अलग दिखाना होता है. और इन लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं एक प्रोफेशनल के साथ, एक प्रोफेशनल टीम के साथ वर्क करने के लिए और मेकअप करने के लिए. सो हमें काफ़ी मेहनत लगती है टू कम्प्लीटली इनको चेंज करने के लिए, लेकिन कि ग्लैमरस लोग हेयर स्टाइल से लेकर इनके कॉस्ट्यूम से लेकर हम लोग को सब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और सब प्री प्लान करके हम लोगों को सब करना पड़ता है फॉर देम. उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेकअप के बनते ही सब कुछ होता है, तो कितना बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है? हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है, इनके कितने कॉस्ट्यूम चेंजेस होते, इनके बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंजेस होते, तो वो हिसाब से मेकअप किया जाता है कि हमें जल्दी इनका चेंजेस करना होता है. सो वो हिसाब से हम पूरा इनके आउटफिट्स, इनकी हेयर स्टाइल्स, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से हम इनका मेकअप करते हैं ताकि वो हमारा मेकअप भी कैरी कर सके. सो हमें वो सब मैं इन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगी. ऑल द बेस्ट, इन्होंने बहुत अच्छा किया है. ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत ग्रो करने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच परफेक्ट मिस इंडिया फॉर गिविंग मी ऑल्सो दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड स्पेशली दीज गर्ल्स. इन्होंने बहुत पेशेंस था, पेशेंस से कॉपरेट किया मेरे साथ तैयार होने के लिए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.